जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय 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 आराध्यंत जिनेन्द्रा गुरु से च विनतिर धार्मिक ही प्रीति रुच्य ही पात्रेषु दानमापत निहत जनकते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास स्वकी व्रतरति निर्मलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद गार्हस्थम बुधाना मित्रद ही पुनर दुख दो मोह पाश। उक्त कारिका के आधार पर विगत दिनों से आप सबके मध्य गृहस्थ जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले सूत्रों की चर्चा चल रही है। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है तत्वाभ्यास। अभ्यास तो आपके जीवन में अनेक प्रकार का है कि नहीं? किसका किसका अभ्यास है? महाराज पैसा कमाने का अभ्यास है, मौज मस्ती का अभ्यास है, घूमने फिरने का अभ्यास है। भैया सामने से कम हो जाओ थोड़ा। घूमने फिरने का अभ्यास है, दुनियादारी का अभ्यास है, गोरख धंधे का अभ्यास है। पर संत कहते ये अभ्यास हमें संसार के विकल्प जालों में उलझाने वाला है, भाव चक्र में फंसाने वाला है। यहाँ उस अभ्यास की बात की जा रही है जिसके बल पर हम अपने आप को भाव चक्र से बाहर निकाल सके, संसार के दुखों से मुक्ति पा सके। वो अभ्यास है तत्व का, तत्वाभ्यास है। तत्व का अभ्यास मतलब है सार। तुमने अपने जीवन में सबको जाना, सबको समझा, सबको परखा, सबका अनुभव किया, पर क्या सार है इसे कभी पहचाना? चार बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे करूंगा। तत्व का ज्ञान, तत्व का अभ्यास, तत्व की भावना और तत्व का अनुभव। ज्ञान, अभ्यास, भावना और अनुभव आध्यात्मिक उन्नति के एक क्रमोन्नत क्रम है। सबसे पहली बात तत्व क्या है आपको उसका ज्ञान? अगर आपके सामने हम कभी चर्चा करें कि ये बड़ा तत्वज्ञानी है तो आप लोग क्या समझते हैं? तत्वज्ञानी किसको मानते हैं बोलो? एक आध तत्वज्ञानी से परिचय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या, यहाँ दो चार बैठे भी होंगे, है ना? तत्वज्ञानी की जब कभी भी बात आती है तो मन में कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? जिसे शास्त्रों का बड़ा ज्ञान हो, है ना, और वो शास्त्र की बातों को लोगों तक पहुंचाता हो, नियमित स्वाध्याय करता हो, लोक दृष्टि में वह तत्व ज्ञानी है ना? पर संत कहते हैं तत्व ज्ञान का वास्तविक अर्थ ये नहीं कि जिसे चंद पुस्तकों का ज्ञान हो, वो तत्व ज्ञान नहीं, वो शब्द ज्ञान है। किताबी ज्ञान को कभी तत्व ज्ञान मानने का भ्रम मत पालना। तत्व ज्ञान का मतलब है जीवन के सार का ज्ञान। तुम जीवन तो जी रहे हो, सार का ज्ञान है? क्या सार है बोलो? सार क्या है? तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ धन,
तुम्हारे साथ जुड़े हुए परिजन, तुम्हारी प्रतिष्ठा या तुम्हारा ये तन क्या है? ये सार है? क्या हो गया? आप लोग तो बड़े सकबकास रहे हो आज। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, धन, परिजन, शरीर, तन और तुम्हारा यह, तुम्हारी यह प्रतिष्ठा, क्या ये सार है? तो क्या सार है? सार क्या है उसका पता है? पता तो है ना? नहीं है पता? सार क्या है पता नहीं है? चलो मैं आज पता दे देता हूं, तो आज से फिर सार के पीछे भागना बस। जिनके पीछे आज तक हमारा जीवन बर्बाद हुआ वह सब असार है। सच्चे अर्थों में सार है मेरे भीतर का आत्म तत्व, जो नश्वर है, क्षणभंगुर है, कलम के अधीन है, विनाशिक है, वो सार नहीं हो सकता। सार तो वही है जो शाश्वत है, स्वाश्रित है, स्वाभाविक है और किसी से प्रभावित नहीं है। मेरे भीतर का ध्रुव जो चेतन आत्म तत्व है, वही सार है, वही तत्व है इसका ज्ञान। तत्व ज्ञानी होने का मतलब है शरीर और आत्मा के भेद के विज्ञान को जानना। मैं देह हूं, मैं देह नहीं, मैं चेतन हूं, इस बात की अनुभूति, इस बात का ज्ञान तत्व ज्ञान की पहचान है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसका बोध तत्व ज्ञान की पहचान है। बोलो अपने आप को क्या जानते हो, क्या मानते हो? तत्वज्ञानी होना मार थोड़ी बहुत तो जानते हैं, आप लोगों के प्रवचनों में सुन लेते हैं, कभी स्वाध्याय में पढ़ लेते हैं, तो समझ में तो आता है कि यही तत्व है। संत कहते हैं यही अज्ञान है। इस अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करो, जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जब तक तुम्हारे अंतरंग में मैं और मेरे का स्पष्ट बोध नहीं जगता, तब तक कल्याण की कोई संभावना नहीं है। मैं कौन हूं, अध्यात्म की शुरुआत इसी सवाल से हुई, को हम। मैं कौन हूं, पूछो अपने मन से, कौन हूं? बोलो अपने आप को किस रूप मानते हो? आत्मा। बड़े ज्ञानी बैठे हैं। हकीकत में सोचो, कदाचित शब्दों में हम कह भी दें और आत्मा मान भी ले, लेकिन ध्यान रखना, स्वयं को आत्मा मानना और स्वयं को आत्मा जानना, इन दोनों में बुनियादी अंतर है। मैं अपने आप को आत्मा मान लेता हूं, यह मेरी मान्यता है, लेकिन मेरे ऊपरी मन की मान्यता है। मैं आत्मा हूं ऐसा मैंने मान लिया, क्यों? क्योंकि मुझे शास्त्र में यह बताया गया, मुझे प्रवचनों में सुनाया गया और यह कहा गया, शरीर विनाशिक है, तेरी आत्मा अविनाशी है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, ये मैं सुनता रहा, सो मैं मान बैठा मैं आत्मा हूं, है ना? ये माने ही तो हो। एक बार एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, मैंने उससे पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, परमात्मा प्रकाश। नाम सुनकर के बहुत अच्छा लगा, बोले बहुत बढ़िया। बोले परमात्मा प्रकाश तुम्हारा नाम कैसे हुआ? बोले मुझे सब परमात्मा प्रकाश बोलते हैं, इसलिए मेरा नाम परमात्मा प्रकाश है। अच्छा, तो सब तुम्हें परमात्म प्रकाश बोलते हैं, इसलिए तुम अपने आप को परमात्म प्रकाश मान लिए? बोले हाँ, सब बोलते हैं मैं परमात्म प्रकाश हूं, इसलिए मैं अपने आप को परमात्म प्रकाश मानता हूं। तो मैंने कहा, अगर तुम्हें सब गधा बोलने लगेंगे तो तुम अपने आप को गधा मानने लगोगे?
अगर सब तुम्हें गधा बोलने लगेंगे तो क्या तुम अपने आप को गधा मानने लगोगे? वो बच्चा चकरा है, बोले महाराज बात तो सही है। तो उसके पिताजी विद्वान थे, मैंने कहा जा तू अपने पापा से पूछना कि तेरा नाम परमात प्रकाश क्यों रखा और वो परमात्मा क्या है। बात तो आगे आई गई हुई, लेकिन वो बच्चा एकदम एक पल को रह गया कि लोग मुझे गधा बोलने लगेंगे तो मैं अपने आप को गधा मानने लगूंगा। तुम लोगों की भी दशा यही है, ये शब्दों में कहने लगे, शास्त्रों में बातें आने लगी, प्रवचनों में बातें आने लगी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। हमने मान लिया मैं देह नहीं चेतन हूं, लेकिन ये तो मान्यता है ऊपरी। कहते हो मैं देह नहीं चेतन हूं, पर 24 घंटा तो उसी में लगे हो। बोलो लगे हो कि नहीं लगे हो? हाँ, शरीर भिन्न है। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात की, लोग भेद विज्ञान की बातें करते हैं, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, कह रहे हैं, और एक मच्छर काटे तो खेद है, खिन्न है। कहाँ ज्ञान? मानने और जानने में बुनियादी अंतर है। मान लिया मैंने कि मैं आत्मा हूं, ये मेरी मान्यता है, लेकिन जिस घड़ी देह में कुछ घटे और मैं उसकी अनुभूति न करूं, ये मानना नहीं जानना है। मच्छर काट रहा है, तन को काट रहा है, मुझे नहीं काट रहा, इस अनुभूति का नाम जानना है। सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, मैं नहीं दुख रहा हूं, इस अनुभूति का नाम जानना है। घटनाएं घटे और उससे मैं प्रभावित ना हूं, ये जानना है। अपने आप को आत्मा मानने वाले बहुत हैं, पर मैं आत्मा हूं ये जानने वाले विरले हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो देह से भिन्न अपनी आत्मा को जाने। शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाला ही पंडित कहलाता है। पाषाणेषु यथा हि मैं, दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, यह पश्यति स पंडित। उस रूप जो देखता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है। अपने आप को वैसा जानना, मैं कौन हूं, क्या हूं, आत्मा हूं, जान नहीं रहे हैं, मान रहे हैं, है ना? और कईयों का मानना कैसा होता है, जैसा तोते का रटना होता है। एक पंडित जी बाजार में गए, वहां एक तोता बिक रहा था। उस तोते के लिए लिखा था ये जातवंत तोता है। क्या बोला? जातवंत तोता। उसने पूछा भैया इसकी क्या विशेषता है? बोला इसके पास हर सवाल का उत्तर है। पंडित जी ने सोचा भैया ये तो तोता मेरे बड़े काम का होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसको उत्तर खोजने में मुझे परेशानी होती है, बढ़िया ऐसा कोई सवाल आएगा तो लोगों से कह दूंगा कि ये सवाल तो मेरा, इसका उत्तर तो मेरा तोता दे देगा, मैं क्या दूं। पूछा इसकी ये सही में जातवंत है? बोले हाँ जातवंत है, सही में है? बोले तोते से ही पूछ लो। तो उसने तोते से पूछा, सुखराज भगवान जातवंतोसी? तोते ने उत्तर दिया, अत्र को संदेह, अत्र का संदेह, इसमें क्या संदेह? कचब, ये तो जातवंत है। कीमत क्या है? बोले 1000 रुपये। 1000 रुपया जातवंत है, तोते से ही पूछ लो। भवद मूल्यम, सहस्त्र मुद्रा अस्ति, अत्र का संदेह, इसमें क्या संदेह? अब क्या, 1000 रुपया दिया, तोता ले आया। अब तोता ला करके घर में रखा, बड़ा आनंदित, कुछ भी करे, सोचा कुछ होगा, अब तो मेरे पास एक ऐसा तोता आ गया, सब सवाल का उत्तर है। एक बार उसे कोई संशय हुआ, उसने तोते से पूछा, तो
क्या ये ऐसा है? बोला अत्र क्या संदेह है। थोड़ी देर बाद उसको उलट करके पूछा, ये ऐसा है? तो उसने कहा अत्र का संदेह है। पहले आत्मा नित्य है, बोले अत्र का संदेह है। फिर पूछा आत्मा अनित्य है, कहे अत्र का संदेह है। फिर पूछा आत्मा देह प्रमाणी है, अत्र का संदेह है। फिर पूछा आत्मा लोकव्यापी है, कहे अत्र का संदेह है। बोले अरे गजब, ये तो एक ही बात हर सवाल का एक ही उत्तर देता, अत्र का संदेह है, अत्र का संदेह है, अत्र का संदेह है। तो उसने पूछा तुम्हें कुछ नहीं आता? बोले अत्र का संदेह है। तुमको लेकर मैं ठगा गया? बोले अत्र का संदेह है। ये तो शब्द रटने वाले लोग होते हैं ना, उनकी दशा होती है। पर हमें ऐसा ज्ञान नहीं, हमें अंतर का ज्ञान, मैं आत्मा हूं ये जानो, हर पल जानो। शरीर में घटनाएं घटते रहे लेकिन अपने चित्त को उससे यथासंभव अप्रभावित रखना, यही मैं आत्मा हूं ये जानना है। अच्छे अच्छे ज्ञानी भी गच्चा खा जाते हैं। एक बार एक सज्जन आए मेरे पास, बड़ी तत्व चर्चा कर रहे थे, बड़ी गहरी तत्व चर्चा कर रहे थे। बातचीत के क्रम में वो उनके टोन से लगा कि ये मारवाड़ी है, तो मैंने उनके एक सवाल का उत्तर मारवाड़ी में दे दिया, थोड़ी बहुत मारवाड़ी बोल लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने उनके उत्तर उनका उत्तर मारवाड़ी में दिया, उनका तत्व ज्ञान एक तरफ धरा रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। तत्व ज्ञान एक तरफ धरा रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। उनने मुझसे पूछा महाराज थे कटक आओ, महाराज थे कठा का हो? मैंने पलट कर पूछा थे कठा का हो। उन्होंने मुझसे पूछा महाराज थे कठा का हो? मैंने पलट कर पूछा थे कठा का हो। महाराज मैं तो बीकानेर से आया। मैंने पूछा बीका पहले तो मैं हरियाणा रहेड़ हूं। मैंने फिर पूछा बीका पहले? महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुयो, मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुयो। मैंने पूछा बिका पहले? महाराज बिका पहले को तो माना बेरो कोनी, उसके पहले का मुझे कोई पता नहीं। तो मैंने कहा भाया जब था न थारो ही पतो कोनी तो मारो जानर काई कर सो। कहाँ है हम? कहीं न कहीं भटकाव है। पुता क्या है? जन्म जन्मांतरों के हमारे संस्कार कुछ ऐसे हैं कि सुनने के बाद भी हमारा चित्त उधर ही जाता है। जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसको हम अनुभव करना चाहते हैं, जिसको हम महसूस करना चाहते हैं, उससे हमारा चित्त विमुख हो जाता है। अनादि के संस्कार है अपने आप को रागादि रूप मानना, अनादि के संस्कार है अपने आप को देहादि रूप मानना। तो हम हमेशा उसी अनुभूति में जीते हैं, अपने आप को शरीर रूप मानते हैं, अपने आप को राग देश मोह रूप मानते हैं, अपने आप को कामी क्रोधी लोभी मोही रूप मानते हैं, कभी सुखी मानते हैं, कभी दुखी मानते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे गह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये पर्यायाश्रित बुद्धि मेरी बनी है, क्योंकि अनादि से मैंने ऐसे ही संस्कार पाल रखे। उस संस्कार को विनष्ट करने के लिए क्या करो? तत्व का अभ्यास करो, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, जिसके बल पर हमने अपनी मान्यता बनाई है, कि जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, जिसके आधार पर हमने अपनी मान्यता और धारणा बनाई है। मैं आत्मा हूं ये मैं मानता हूं, मैं आत्मा हूं ये मैं जानूं, उसके लिए क्या करूं? अभ्यास करूं। अभ्यास क्या करो? बार बार वही बात सुनो, बार बार वही बात पढ़ो। वो बार 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 एक ही बात को, ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं,
स्वाध्याय जो किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है। एको हम शाश्वतो आदानान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। एक बार मैंने सुन लिया, एक बार मैंने पढ़ लिया, इतने मात से काम नहीं चलेगा, इसे मुझे बार 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 दोहराना होगा। जब पुनः 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 बनाए दोहराऊंगा तो मेरा अभ्यास बढ़ेगा, इसका नाम तत्व का अभ्यास है। लेकिन ये दोहराना बुद्धि के स्तर पर नहीं, हृदय के स्तर पर। बुद्धि के स्तर पर दोहराओगे तुम पंडित बनोगे, हृदय के स्तर पर दोहराओगे तो ज्ञानी बनोगे। क्या चाहते हो, पंडित बनना या ज्ञानी? क्या चाहते हो? ज्ञानी, ज्ञानी अंतर ज्ञानी बनो। हृदय के स्तर पर दोहराओ, जो बातें कही गई है उसे बार 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 दोहराओ। अभ्यास चाहिए, क्योंकि अभ्यास के अभाव में हमारा ज्ञान कुंद हो जाता है। जीवन में जो कुछ भी पाना है उसके लिए सतत सतत निरंतर अभ्यास चाहिए। तुम लोगों को क्या होता है? एक बार किसी ने मुझसे कहा कि महाराज एक दिन प्रवचन सुन लिया, रोज रोज प्रवचन सुनने की क्या जरूरत? बात तो घूम फिर के वहीं आती है। महाराजों के प्रवचन में आता क्या? पांच पाप चार कषाय, इसको छोड़ो, पाप छोड़ो, कषाय छोड़ो, आत्मा में रमो, इसके अलावा बात क्या है? बात तो उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है। मुझसे पूछा, महाराज एक बार प्रवचन सुन ले, रोज रोज प्रवचन सुनने की क्या जरूरत? हमने कहा एक दिन रोटी खा लिया, रोज रोज रोटी खाने की क्या जरूरत? जैसे तन को रोज भूख लगती है तो उसे मिटाने के लिए रोटी चाहिए, मन की भूख को मिटाने के लिए स्वाध्याय चाहिए, प्रवचन चाहिए। कदाचित तन की भूख न मिटे तो तन केवल सुस्त होगा। तन की भूख को मिटाने से भी ज्यादा जरूरी मन की भूख मिटाना है। तन की भूख न मिटे तो तन केवल सुस्त होता है, और मन की भूख न मिटने पर मन भ्रष्ट हो जाता है। शुष्क तन से हमें खतरा नहीं, जितना कि भ्रष्ट मन से खतरा है। अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना है तो तत्व का अभ्यास करो। रोज रोज सुनो, रोज रोज सुनो, रोज रोज दोहराओ, दोहराते जाओ। पर जैसा मैंने कहा, कहाँ दोहराना? हृदय से, बुद्धि से नहीं। एक बार एक सज्जन गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? गुरुदेव ने कहा एक बार। पूछा आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? बोला एक बार। चेहरा देख रहा है गुरुदेव की तरह, बोला अरे एक बार पढ़ा आपने, बस एक ही बार पढ़ा? उसके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ नहीं किया। पूछा गुरुदेव आपने केवल एक ही बार पढ़ा? मैंने 108 बार पढ़ा है, मैंने 108 बार पढ़ा है। तब गुरुदेव ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, भैया मुझे आश्चर्य है, मैं एक बार पढ़ा और मुनि हो गया, तो 108 बार पढ़ने के बाद भी कपड़े में क्यों है? वैसा पढ़ने का कोई मजा नहीं, समझ के? तो ये बुद्धि के स्तर पर नहीं, हृदय के स्तर पर पढ़ो। रामायण पर आधारित एक प्रसंग है, युद्ध विराम का समय चल रहा था। तो युद्ध विराम की उस घड़ी में आपस में मेल मिलाप होता था। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि शत्रु होते थे पर शत्रुता नहीं रहती थी। हनुमान जी और रावण मिल गए, दोनों में बात चली किसके पास बल अधिक है, किसका बल अधिक है, परीक्षा की जाए। तय हुआ दोनों एक दूसरे को एक एक घूंसा मारेंगे, जिसका प्रहार ज़्यादा भारी होगा वो बलवान माना जाएगा। ठीक है, तय किए गए प्रावधान के अनुसार पहला प्रहार रावण ने हनुमान जी की पीठ पर दिया, हनुमान जी ने उसे सहज रूप से झेल लिया। अब दूसरी बारी थी हनुमान जी की, हनुमान जी ने जोर का घूंसा रावण की पीठ कमर में दी और रावण बैठ गया वहीं। रावण बैठ गया, इधर रावण बैठा, सबने तालियां बजाई, लेकिन हनुमान अपना सिर पकड़ करके बैठ गया एक तरह। हनुमान अपना सिर पकड़ के बैठ गए, सबने कहा अरे तुम विजेता हो,
तुम अपना सिर क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें तो प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, तुम सिर क्यों पकड़ लिए? बोले मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरा घूसा खाने के बाद भी रावण जिंदा कैसे, मेरा घूसा खाने के बाद रावण जिंदा कैसे है? जब लोग पूरे समय सार को पढ़ने के बाद भी विषयों से दूर नहीं होते तो उनको देखकर लगता है ये समय सार पढ़ करके भी अभी घर में कैसे है। 108 बार पढ़ना तो बहुत दूर की बात, समय सार की तो एक गाथा ही काफी है, यदि अंदर से पढ़ लो तो जीवन बदल जाएगा। तत्व का ज्ञान, अंदर से तत्व ज्ञान हो, भीतर तत्व का ज्ञान हो तो आनंद है। उसके लिए अभ्यास, नियमित अभ्यास, ताकि हम अपने चित्त को विमुख होने से बचाएं। देखिए अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। जो आपने सुना जाना उसको अपनाना चाहते हो तो अभ्यास करो। अभ्यास से जीवन का विकास होता है, हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारी प्रतिभा निखरती है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। देखिए अभ्यास क्या है। एक राजा और रानी अपने राजमहल में बैठे थे, सामने झरोखा था, दोनों के मध्य बातचीत चली और बातचीत के मध्य ये बात आई कि दोनों में बलवान कौन है, किसका बल अधिक है। रानी ने कहा सहज रूप से बल आपका अधिक है, आप बलवान हैं, मैं कहा, लेकिन चलो आज नाप कर देखो। कैसे नापा जाए? नीचे एक मैदान था जिसमें गाय बछड़े के साथ चर रही थी। रानी ने कहा एक काम करते हैं, नीचे हम लोग चलते हैं, उस गाय के बछड़े को उठा करके ऊपर लाते हैं, देखते हैं दोनों कौन अच्छे से उठा सकता है। ठीक है, राजा ने कहा चलो। गया राजा ने रानी से बोला पहले तुम उठाओ। रानी ने प्यार से बछड़े को पुचकारा और अपने बाहों में भर ली, बछड़ा पूरा उठ गया, आनंद से आ गया, वापस बछड़े को नीचे रखा। और अब राजा की बारी थी तो राजा को देख के बछड़ा बिदकने लगा, जैसे तैसे बछड़े को पकड़ा, राजा ने उठाया, भार कोई ज़्यादा नहीं था, राजा के लिए वो सहज था, उठा लिया। बात ये निकली कि दोनों का बल बराबर है। दिन निकल गए, 6 महीने बाद एक बार फिर दोनों का उसी स्थान पर बैठना हुआ और उसी मध्य गाय और बछड़ा नजर आए, वही गाय वही बछड़ा। रानी ने अब की बार कहा प्रभु 6 महीने पहले हम लोगों ने एक दूसरे का बल नापा था, आज फिर से बल नाप लिया जाए। राजा ने कहा ठीक है नाप लो। बोले क्या करें? बोले वही बछड़े को उठाते हैं। ठीक, राजा ने कहा चलो तुम उठाओ। रानी गई, बछड़े को उठाई, ऊपर तक ले आई और वापस नीचे छोड़ आई, बछड़ा प्रेम से आ गया, लाई और छोड़ दी। अब राजा गया तो अब तो बछड़ा भी थोड़ा हट्टा कट्ठा हो गया था। राजा को देखकर पहले तो बछड़ा बिदका, फिर जैसे तैसे पकड़ा, लेकिन उठाया तो उसे ढंग से उठा भी नहीं पाया, उसकी स्लिप डिस्क हो गई, उठाने में उसकी डिस्क स्लिप हो गई। अब राजा बड़ा आश्चर्य में कि बात क्या है, न तो मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, न ही मेरे भोजन में कोई कमी, न तुमने कोई अतिरिक्त पोषण लिया, फिर वजह क्या है? मेरे मन में कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, फिर मेरा बल क्यों घटा? तो रानी ने रहस्य खोलते हुए कहा कि प्रभो न तो आपका बल घटा है न मेरा बल बढ़ा है, न तो आपका बल घटा है न मेरा बल बढ़ा है, फिर माजरा क्या है? बात कुल इतनी है कि उस दिन के बाद से मैं प्रतिदिन रोज नीचे जाती, बछड़े को खिलाती, अपने बाहों में भरकर लाती, ऊपर लाती, उसे कुछ खिलाती और वापस नीचे छोड़ती, मेरा ये रोज का क्रम है। इसलिए 6 महीने में मेरा अभ्यास हो गया, बछड़े का भार मुझे भार नहीं दिखा, और आप 6 महीने बाद बिना अभ्यास के आज उसे स्पर्श किए, इसलिए आज आपकी कमर टूट गई। समझ गए? यह है अभ्यास। समझ में आ गया? अभ्यास
है ना, तो तुम लोग तालियां बजाने का अभ्यास है कि नहीं? ये अभ्यास है, निरंतर अभ्यास। जो मैं जानता हूं उसका अभ्यास करो, जिसे मैं जानना चाहता हूं अभ्यास हो, जिसे मैं पाना चाहता हूं अभ्यास, जो मैं बनना चाहता हूं उसका अभ्यास। अभ्यास चाहिए, लेकिन इस तरह के अभ्यास की लोगों की कोशिश बहुत कम होती है। वो अभ्यास जगाइए। तीसरे चरण में तत्व की भावना, सुन लिया पढ़ लिया, रोज सुना रोज पढ़ा, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? भावना भाव, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये मैंने जाना। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इससे पुष्ट करने वाले शास्त्रों को पढ़ा, प्रवचनों को सुना, तत्व की चर्चाएं की, ये मेरे तत्व के अभ्यास में है। लेकिन ये कितनी देर, घंटे दो घंटे की प्रक्रिया बनकर रह गई? इससे जीवन में बदलाव हो ये कोई पक्का नहीं है। जीवन के बदलाव के लिए एक कदम और आगे जाओ। क्या करो? भावना भाव। क्या भावना भाव? हर पल, हर पल एक ही भावना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूपी हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये भावना बार 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 गहराओ। जैसे जैसे तुम्हारी ये भावना गहरी बनेगी, तुम्हारी अनुभूतियां बदलने लगेगी। भावना योग यही तो बताता है। अभी तुम्हारे सबकॉन्शियस में जो बातें फीड है, जो संस्कार है, अंकित है, वो क्या है? मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मोही हूँ, रागी हूँ, देशी हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बच्चा हूँ, बड़ा हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, राजा हूँ, रंक हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, यही तो भरा है। उसे हटाना है। जान लिया मैं आत्मा हूँ, थोड़ा अभ्यास भी कर लिया, लेकिन अभी सबकॉन्शियस में वो बात तो पुरानी बैठी है। स्वाध्याय कर रहे आत्मा हूँ, लेकिन फिर अनात्मा में चित्त जा रहा है। स्वाध्याय में सुन रहे मैं आनंद स्वरूप हूँ, फिर भी अवसाद की तरफ जा रहे हैं। सुन रहे हैं मैं सुख रूपी हूँ, फिर भी दुखी हो रहे हैं। मैं रूपातीत हूँ, फिर भी अपने आप को रूप रूप मान रहे हैं। मैं देहातीत हूँ, फिर भी अपने दृष्टि को स्व पर के देह पर केंद्रित किए हुए हैं। ये हमारे पुराने संस्कारों का प्रतिफलन है। उस संस्कार का निर्मूलन करना है तो उसकी आध्यात्मिक साधना है, जिसे आज का मनोविज्ञान भी मानता है। और साधना क्या है? भावना। क्या है? भावना। एक ही भावना, एक ही भावना, एक ही भावना, एक ही भावना। भावना नहीं हो, भावना धुन बन जाए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, जब भी तुम्हें आए बस ये ख्याल हो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। आचार्य कुंद ने समय सार में हमें यही समझाया कि तू अगर अपना उद्धार करना चाहता है तो हर पल केवल एक ही बात को ध्यान में ला, मैं आत्मा हूं। जो आद भावन मिदम निच्चो जुतो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावै अचिरेन कालेन।
जो मुनि नित्य उद्यत होकर, उद्यत होकर यानी तत्पर होकर, जागृत होकर, सचेष्ट होकर, मैं आत्मा हूं इस भावना को भाता है, वो शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। दुखों से मुक्ति की कितनी बड़ी कुंजी दी है। चाहते हो तुम अपने दुखों से मुक्त होना? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो। इतने दबे दबे बोल रहे हो, बोल रहे हो कि बोलना पड़ रहा है? बोलो जम से, और जम से। तो कुछ करके कि फ्री फोकट में? हाँ महाराज, आप तो आशीर्वाद दे दो दुख मिट जाए, है ना? ऐसा आशीर्वाद चाहते हो? चाहते हो? बोलो तो जोर से। बताऊं, अगर हमारे आशीर्वाद से तुम लोगों का दुख मिटता होता ना, तो मैं तो पकड़ पकड़ करके देता। पर ध्यान रखना, तुम्हारा दुख किसी के आशीर्वाद से नहीं मिटने वाला, तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से ही मिटेगा। और वो पुरुषार्थ है तत्व की भावना, नियमित भावना भाव, भावना योग करो। आज एक सज्जन कह रहे थे, महाराज कल शंका समाधान की जगह भावना योग का प्रसारण आया, बड़ा आनंद आया, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट तो समझने के लिए क्लियर हुआ, तुम्हारी कॉन्शियस क्लियर होनी चाहिए। नियमित अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर की सारी मलिनताएं दूर हो जाएगी और चेतना पवित्र बन जाएगी, विशुद्ध बन जाएगी। वो प्रयास करो। भावना बार बार दोहराओ, इसका एक लघु रूप है। सोहम सोहम सोहम, इस शब्द को दोहराओ। क्या करो, श्वास में बिठा लो। सोहम, भीतर का जो शुद्ध ज्ञान स्वरूपी, चेतन रूप, सुख स्वरूपी, आनंद रूप परम तत्व है, वह मैं हूं। स अहम सोहम, बाहर नहीं भीतर जो है वह मैं हूं। स्वर साधना एक साधना है जिसमें हमारे दोनों नासिका पुटों से निकलने वाले श्वास के ऊपर साधना की जाती। दाहिने नासिका से बहने वाली श्वास को सूर्य कहते हैं और बाएं से निकलने वाले को चंद्रमा। इसे ही ईड़ा और पिंगला के नाम से भी जाना जाता है। उस साधना में एक अभ्यास बताया हंसाचार की। हंसाचार मतलब श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम। देखिए आप थोड़ा श्वास लीजिए, छोड़िए, एहसास होगा। लेते समय सो जैसा होगा, छोड़ते समय हम। सोहम सोहम हो रहा है। उसमें बताते हैं कि जो नियमित सोहम 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 की धारणा के साथ श्वास प्रश्वास करता, हंसाचार करता है, उसे वाक सिद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब जो बोलो सो हो जाए। यहाँ आचार्य कहते वाक सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी बात है। नियमित हंसाचार कर लो तो तुम्हारे जीवन की शुद्धि हो जाएगी, आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, परम सिद्धि की उपलब्धि हो जाएगी। आचार्य पूज्यपाद ने इसी बात को रेखांकित करते हुए हम सबको कहा कि सोहम इत्यात संस्कारा तस्मिन भावनिया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते ही आत्मनि स्थितिम।
भीतर का जो परम तत्व है वह मैं हूं, सो हम सा अहम। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, तस्मिन भावनया पुनः, बार 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 जो उसकी ही भावना कर रहा है, तत्रैव दृढ़ संस्कारात्, जिसके हृदय में उसी भावना के बल पर संस्कार दृढ़ हो गए हैं, लपते ही आत्मनिस्थिति, वो अपनी आत्मा में स्थिरता प्राप्त करता है। भावना गहरा जाए तो तत्व का अनुभव किया जा सकता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये भावना भाते 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 एक स्थिति ऐसी होगी कि तुम अनुभव ही आत्मा का करने लगोगे। फिर शरीर में कुछ भी घटे तुम्हें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुभव बहुत ऊपर की कक्षा की बात है, लेकिन अनुभव के लिए जाने तक तीन चरण प्राप्त करने होंगे, ज्ञान, अभ्यास, भावना। भावना अनुभूति में बदलेगी। वो पुरुषार्थ करो, वो प्रयास करो तो जीवन में कुछ होगा। मैं देखता हूं आज हमारे यहां धार्मिकता तो दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन आध्यात्मिकता का कहीं कोई अता पता नहीं। इसका ही दुष्परिणाम है कि तुम्हारी प्रवृत्ति तो फिर भी थोड़ी बहुत बदल जाती है, तुम्हारी वृत्ति यानी सोच, मानसिकता जहां के तहां है। अपने अंदर की मानसिकता बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, प्रवृत्ति नहीं, वृत्ति में बदलाव घटित होना चाहिए। एक है बाहर से भीतर का बदलाव, एक है भीतर से बाहर का बदलाव। बाहर से भीतर का बदलाव उथला होता है और भीतर से बाहर का बदलाव गहरा होता है। अपनी अंदर की सोच को बदल डालो, प्रवृत्ति जो बदलेगी उसका आनंद ही कुछ और होगा। और ये कोरी धार्मिकता से नहीं होगा, ये आध्यात्मिकता से होगा। आज लोगों की जो प्रवृत्तियां भी देखता हूं, आचरण देखता हूं, तो कई बार मन में आता है इतना सुनने पढ़ने समझने के बाद भी लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं। अगर तुम्हारी वही धनाशक्ति, वही भोगाशक्ति, वही परिवार में आ सकती, वही तुम्हारे अंदर का आवेग उद्वेग सब कुछ वैसा ही, तो तुम पूजा पाठ करके पाए क्या, तुम व्रत उपवास करके पाए क्या, तुम त्याग तपस्या करके हासिल क्या किए, और तुम दान पुण्य करके अर्जित क्या किए। ऊपर से नहा लिए, भीतर तो गीला। संत कहते हैं ये तो पत्थर की वृत्ति है जो केवल ऊपर से भींगता है, भीतर से सूखा रहता है। संत कहते पत्थर नहीं, मिट्टी बनो जो बाहर से भी भींगती है और भीतर से भी भींगती है। अपने आप को मिट्टी बनाओ, भीतर और बाहर से गीला रखो। मिट्टी भींगती है तो नम हो जाती है। तुम्हारे बाहरी आचरण में भी बदलाव दिखना चाहिए और भीतर की सोच भी बदलनी चाहिए, तुम्हारा व्यवहार भी बदलना चाहिए और विचार भी बदलना चाहिए। वो केवल अध्यात्म के बल पर होगा। मिट्टी बनो, पर मिट्टी की एक और विशेषता है, मिट्टी में पानी नियमित पड़ना चाहिए। मिट्टी भींगती तो है, लेकिन थोड़े दिन पानी ना मिले तो क्या होता है, सूख जाती है। और कभी कभी वो सूखी मिट्टी पहले से भी कड़ी दिखती है, होती है ना। तो ये तत्वाभ्यास है, अपनी चित्त की मिट्टी को नम बनाए रखने का सिंचन है, अभिसिंचन है, प्रयास है, सींचते रहो। अभ्यास बनाइए। बहुत सारे लोग भावना योग कर रहे हैं,
नियमित कीजिए, बदलाव होगा। बिना अभ्यास के जीवन का उद्धार नहीं। एक बार एक लकड़हारा बेरोजगार था, कोई काम नहीं था, कुछ दिन से उसे भूखे रहना पड़ता था। एक दिन एक सेठ के यहाँ गया और कहा मुझे रोजगार दे दो। सेठ ने कहा क्या कर सकते हो? बोले मैं लकड़हारा हूँ, पेड़ काट सकता हूँ। सेठ ने कहा ठीक। उसे एक कुल्हाड़ी पकड़ाई और कहा लो इस कुल्हाड़ी से तुम पेड़ काटो तो मैं प्रति पेड़ मैं 20 रुपया दूंगा। उसने एक दिन में 10 पेड़ काट दिए, 200 रुपये की मजूरी मिल गई, बड़ा आनंदित हुआ। कुछ घंटों में ही उसने 10 पेड़ काट दिए। दूसरे दिन वो कुल्हाड़ी लेकर गया और पहले दिन तो 6 घंटे में 10 पेड़ काटे थे, दूसरे दिन 10 घंटे हो गए और 6 ही पेड़ काट पाया। अब 120 रुपया ही मिले, थक गया। पहले दिन 10 पेड़ काटे, समय कम लगा, थकान कम आई, 200 रुपये मिले। दूसरे दिन 6 पेड़ काटे, समय ज़्यादा, थकान अधिक, और 6 ही पेड़ कटे, 120 ही मिले। तीसरे दिन गया, तीसरे दिन तो सुबह से शाम पसीना पसीना हो गया, वो कुल 2 ही पेड़ काट पाया और आज 40 रुपये ही मिले। वो सेठ के चरण पकड़ लिया, बोला सेठ साहब बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरी तो शक्ति ही खत्म हो गई, मैं थक कर निढाल हो गया, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या हो गया, किसी की कोई नज़र तो नहीं लग गई? सेठ ने पूछा भैया किया क्या था? बोले मैंने कुल्हाड़ी से काटा। बोले उसी कुल्हाड़ी से काटा? हाँ। बोले कुल्हाड़ी तो वही थी। बोले अच्छा, कुल्हाड़ी कहाँ है दिखाओ। देखा तो कुल्हाड़ी एकदम भोतली हो गई थी। बोले भैया तुमने कुल्हाड़ी का प्रहार तो किया पर इसमें धार दिया। बोले धार तो मैंने दिया ही नहीं। तो बोला भैया कुल्हाड़ी के प्रहार से भी ज़्यादा जरूरी उसकी धार है, धार दो और फिर प्रहार करो। कुल्हाड़ी में धार दिया, प्रहार किया और फिर से वो 10 पेड़ काट लिया। समझ गए? तो आप सबसे भी यही कहता हूँ, अपनी चेतना को धार दो, नहीं तो ये कुल्हाड़ी भोतली है। भोतली तो हो ही भी है, मोथली है, अनादि से उसमें धार नहीं। भावना योग करने का मतलब अपनी चेतना की इस कुल्हाड़ी पर धार देना है, धार देना है। जो हमारे चित्त की भूमि में उगाई कटीली झाड़ियों को एक झटके में काट डाले और हमारी चित्त भूमि साफ और स्वच्छ बना डाले। तत्व की भावना, और तब कर पाओगे तत्व का अनुभव। अभी भावना तक तो आओ, तत्व की परम अनुभूति होते ही केवल ज्ञान हो जाता है। एक पल में अगर अन्य अनुभूति कर ली तो केवल ज्ञान हो गया, सारा संसार सिमट जाएगा। लेकिन आजकल लोग सीधे अनुभव की बात करते हैं, सीधे अनुभव नहीं होता, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए तो क्रम से ही चलना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं अरे अनुभव तो चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, सम्यक दर्शन हो गया तो हो जाएगा, इतना इजी होता तो तर गए होते। एक बार शिष्य ने गुरु से कहा गुरुदेव आपने मुझसे कहा था कि मैं आत्मा की अनुभूति कराऊंगा पर अभी तक अनुभूति नहीं। बोले बस अभ्यास कर, तुझे वक्त लगेगा। बोले जब आपको आत्मा अनुभूति होती है तो मुझे क्यों नहीं हो सकती? सवाल है, आपके मन में भी आ सकता है। जब वीतरागी मुनियों को हो सकती है तो हमें क्यों नहीं हो सकती? हम भी सम्यक दृष्टि, वो भी सम्यक दृष्टि। शिष्य ने कहा गुरुदेव जब आपको आत्मा अनुभूति हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं हो सकती? गुरु ने कहा ठीक। पास में एक घड़ा रखा था, बोले घड़ा ला। बोले जा नदी से पानी भर लिया। घड़े में नदी से पानी भरवा के लाया, घड़ा सामने। अब गुरु ने कहा एक काम कर इसमें नाव चला। नाव चला? बोले गुरुदेव नाव तो नदी में चलती, घड़े में कैसे चलेगी?
नाव तो नदी में चलती है, घड़े में कैसे चलेगी? गुरु ने कहा, ये बता, जो पानी नदी में वही पानी तो घड़े में, जो पानी नदी में है वही पानी घड़ी में है। जब नदी के पानी में नाव चल सकती तो घड़े के पानी में नाव क्यों नहीं चल सकती? शिष्य कहा, गुरुदेव समझ गया, घड़े में दीवार है, नदी बिना दीवार की है। गुरु ने समझाया कि बस मैं भी चाहता तो हूँ, पर तू अभी घड़ा बना है, जब नदी बनेगा तब आत्मानुभूति की नाव चला सकेगा। इसलिए घड़े को फोड़िए, नदी बनिए और आनंद लीजिए, उस भूमिका तक पहुँचिएगा तो जीवन में परमानंद की अनुभूति होगी। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपके हृदय में धर्म के प्रति अनुराग है, धार्मिकता को आपने अपनाया है। ये पहली सीढ़ी है, अगली सीढ़ी पर चढ़ने का अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, आध्यात्मिकता को अपने भीतर जागृत कीजिए, जिससे जीवन का उद्धार होगा, जिसके बदौलत भव सागर से पार उतरा जा सकेगा। वो प्रयास हो, जब हम आध्यात्मिकता के साथ धार्मिकता का आनंद लेते तो जीवन का मजा ही बहुत होता है। देखो तुम लोगों में कैसी कमी होती, कल रात में 12:30 से 2 बजे तक बहुत हल्ला हो रहा था। मैंने सुबह पूछा, भैया इतना हल्ला क्यों हुआ? बोला, महाराज कुछ लोग आए थे, अब स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, लाइव चल रहा है, बदनामी होगी, कुछ लोग आए थे कमरों को लेकर के हल्ला मचा रहे थे, उनको एसी कमरा चाहिए था। अरे भैया, और एक बात बताई कि महाराज उसी दौरान 2 जगह की बसें आई, उनने हमसे स्थान का पूछा, अभी तो रेलम पेल है, 1000-1500 लोग रोज आ रहे, कहाँ व्यवस्था करें? कल की स्थिति तो ये थी, अभी पूरे सप्ताह भर से चल रहा है कि 52 गजा तो फुल था ही, बड़वानी भी फुल चल रहा है, ये आप लोग भावना है। लेकिन उनने जो बात कही, मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, ये बातें आपको समझने की है, भावना के आवेग और अतिरेक में आप कितना नुकसान कर लेते हैं, अपने परिणामों की कितनी क्षति कर लेते हैं। कहा, महाराज उसी समय कुछ लोग आए, इंद्रजीत ने मुझे बताया कि कुछ लोग आए, उनको जब बोला जगह नहीं है, बोले कोई व्यवस्था भैया, ये हॉल है, पंडाल है, चुपचाप सब आ गए, पूरे बस भर के यात्री आराम से उसमें रह लिए। सुबह मैं जंगल के लिए जा रहा था तो मुझे दिखे वो सब आराम कर रहे थे, वंदना भी हो गए, और बाकी लोग इतना हंगामा खड़ा किए। अरे भैया, तीर्थ यात्री हो या बाराती, किसके लिए आए? सोचो तो सही, व्यवस्थाएं थोड़ी ऊंची नीची हो जाए, अवस्था मत बिगड़ने दो। तुम तीर्थ यात्रा का कितना पवित्र भाव लेकर घर से निकले और अपने थोड़ी सी असहिष्णुतावश सब पर पानी फेर दिया। एक संकल्प लो कि जब कभी भी हम कहीं तीर्थ यात्रा आदि पर जाएं, जितनी व्यवस्था हमें मिल सके ले, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के शिकायत न करे, उलझे नहीं। रोजमर्रा के जीवन से थोड़ी कमी भी हो जाए तो सहन करे। आजकल आप लोगों की सोच बड़ी लग्जरी हो गई, पहले तो लोग तीर्थ यात्राओं में जाते थे, दलालों में पड़े रहते थे, अब तो अच्छी अच्छी सुविधा, लगभग 125-150 कमरे भी आपके लिए कम पड़े तो क्या करे, कहाँ से कमरे बनवाएं? और इतना ही चाहिए तो 500 कमरे बना दो सब लोग, क्षेत्र कमेटी की योजना है। लेकिन वो भी हर जगह संभव नहीं है। एक संकल्प लीजिए, आपकी ये तीर्थ यात्रा का अंतिम चरण होगा या यहाँ से शुरुआत होगी, ये तो है नेमावर और 52 गजा, ये तो चल ही रहा है, एक छोर में नेमावर, एक छोर में 52 गजा, या तो उधर से इधर आते या इधर से उधर जाते हैं। जीवन में जब भी आप धर्म क्षेत्र में जाए, अपने परिणामों को संयत रखिए। और एक बात और, मुझे ये भी बताया गया कि उनमें से कुछ लोग शराब भी पिए हुए थे, और उनके गाड़ी के ड्राइवर ने कहा, जहाँ जहाँ गए सब जगह जे हंगामा ही करे हैं। अरे भाई, ये कितनी बड़ी आत्ममुग्धता है।
बचाओ अपने आप को, सुधारो अपने आप को, जीवन में सकारात्मक बदलाव घटित करो, तो आनंद आएगा, तभी हम जीवन में कुछ उपलब्ध कर सकेंगे। तो बात अध्यात्म की है, आत्मा की है, हम तत्व के ज्ञान से तत्व की भावना तक पहुँचे, ताकि तत्व का अनुभव कर सके। इस भाव के साथ मैं विराम लूँगा। बोलिए, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।